हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दीपिका पादुकोण का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। मुझे उनका ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने यहाँ पर एक जस्ट छोटी सी कोशिश की है उनके जैसा ये लुक करने की। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत आसानी से आप इस मेकअप लुक को कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मैंने इस लुक को कैसे किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ NYB का फेस प्राइमर। ये बहुत अच्छा फेस प्राइमर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है गाइस। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम, और ये 10 रुपीज़ के प्राइस में आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, और इसकी हेल्प से मैं ये आज का मेकअप लुक करने जा रही हूँ। बहुत अच्छा ग्लो आता है आपके फेस पर, तो यस, मैंने इसे लगा लिया है अच्छे से। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे CC क्रीम और लैक्मे फाउंडेशन को। दोनों को अच्छे से मिक्स कर मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत अच्छी कवरेज देती है ये आपकी फेस पर, इस तरीके से अगर आप इसे मिक्स कर लगाएंगे। और इसके बाद मैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर, और इसकी हेल्प से जो भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं और पिगमेंटेशन है उसे मैं हाइड कर लूँगी। और कंसीलर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से मैंने इस कंसीलर को भी अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। और इसे भी मैं ये सेम फ्लैट फाउंडेशन जो ब्रश है अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये ब्रश, कंसीलर को ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है ब्रश है ये, बहुत हेल्प करता है और अच्छे से ब्लेंड भी कर देता है कंसीलर को। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर, अपने कंसीलर को भी सेट कर लूँगी और अपने फाउंडेशन को भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि जो मेरा फाउंडेशन है, जो भी मैंने फेस पर अप्लाई किया, वो चिपचिपा ना लगे। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैक की आईब्रो पेंसिल। ये ब्लैक आईब्रो पेंसिल है, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि दीपिका पादुकोण की भी इसमें जो आईब्रोज हैं वो डार्क दिख रही हैं बहुत, और मैं भी इस तरीके से थोड़ी डार्क तरीके से इसे फिल करूंगी आईब्रोज को अपने। इसके बाद मैं जैक डेनियल पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का शेड लूंगी, और इसकी हेल्प से भी मैं आईब्रोज को थोड़ा सा फिल कर लूंगी ताकि मेरी आईब्रोज भी थोड़ी डार्क नजर आए। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ हिलेरी रूडा के पैलेट से ये ट्रांजिशन शेड लूंगी, ये लाइट ऑरेंज शेड है, और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक काजल, और इसे मैं अपर लैश लाइन पर बिल्कुल टच करते हुए और बहुत ही हल्के हाथों से मैं यहाँ पर लाइनर लगाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि दीपिका ने भी जो लाइनर लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, और लैशेस के साथ बिल्कुल टच करते हुए उन्होंने इस लाइनर को अप्लाई किया है। बहुत आसानी से आप भी गाइज इस मेकअप लुक को कर सकते हैं, बहुत आसान है इसे करना। और एसेसरीज वगैरह आप अपने हिसाब से भी वियर कर सकते हो। मैंने तो उनका एक ये लुक करना था तो इसलिए मैंने इस तरीके से ज्वेलरी को वियर किया है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ बेला वोस्टे का मस्कारा, और इसका रिव्यू भी बहुत जल्द आप मेरे चैनल पर देख पाएंगे। तो मस्कारा काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, आपकी लैशेस को बहुत अच्छी लेंथ देता है। वाटरप्रूफ है या नहीं है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसका जब मैं पूरा रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके बाद मैं ये लगा रही हूँ NYB की कंटूर स्टिक है, इसके हेल्प से मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। और आपको हो सकता है गाइस ये जो शेड है वो नज़र ना आए, क्योंकि चेंज नज़र आए हो सकता है कैमरा में। और इस तरीके से मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी, यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसे। काफ़ी अच्छी कंटूर स्टिक है इसलिए ब्लेंड हो जाती है आपके फेस पर। नेक्स्ट में ये जो सेम शेड मैंने आई शेडो के लिए अप्लाई किया था, इसकी हेल्प से मैं अपना ब्लश अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। उसके बाद मैं ये सेम ट्रांजिशन शेड लूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन पर इस तरीके से लगाते हुए इसे
ब्लेंड कर लूँगी हल्का सा। इसके बाद मैं लगा रही हूँ NYBAE का मेकअप फिक्सर, बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है ये भी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाफ एंड हाफ की बुलेट लिपस्टिक, और ये रेडिश कलर है, इस तरीके से रेड सा कलर है, आप देख सकते हो। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।